क्लास फाइव साइंस, गुड मॉर्निंग। चलो कहाँ तक पढ़ लिया था पिछले क्लास में? स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स कंप्लीट कर लिया था ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। बेबी प्लांट के बारे में थोड़ा बता रहे थे। बेबी प्लांट का यहाँ एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है, बेबी शूट, बेबी रूट। देखो पिछला क्लास में जो उतना तुम लोगों को डिटेल में बताए थे, जो पेड़ के बीज कैसे पड़ता है, उसमें से कैसे निकलता है, वो स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ही बताए थे। लेकिन फिर भी अभी तुम लोग यहाँ फिर से पढ़ रहे हो, इसलिए हम लोग दोबारा से पढ़ाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर वन रिप्रोडक्शन, उसके बाद उसमें था पहला रिप्रोडक्शन, क्या था, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। उसमें हम लोग पहला पढ़ लिए थे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स में, क्या पढ़ लिए थे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, तो जर्मिनेशन के बारे में पिछले क्लास हम लोग फिर बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो द प्रोसेस बाई विच सीड ग्रोज इन टू ए यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो बीज होता है वो एक छोटा सा पेड़ बन जाता है, छोटा सा पौधा, उसको कहते हैं हम लोग जर्मिनेशन। उसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर स्टेज दिया हुआ है, स्टेज में चार पेज मतलब वो चार फोटो दिया हुआ है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। जरा इस चीज को एक बार ध्यान से देखिए, देखो देखो बुक्स नहीं है, चलो ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, देख लो चार फोटो दिख रहा है। चलो पॉज करके देख लेना जिसको देखना होगा, तो देख लो ये होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जब होता है उसमें बहुत सारा सीड होता है, जो कि जब तक उसको सही सही पे कंडीशन नहीं मिलता है, जैसे कि मॉइस्चर नहीं मिला, एयर नहीं मिला, तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, वो रुका रहता है। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, छोटा जो बीज होता है बीज से पेड़ बनता है। ये तुम लोग सारा डेफिनेशन जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड का है उसको याद करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड का जो डेफिनेशन था, बुक्स है सबके पास, जिसके पास भी बुक्स नहीं है जल्दी बुक्स ले लो, बुक्स स्कूल में आ गया है, ठीक ना, क्योंकि बुक्स के बिना तुम लोग को पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगा। बेयर कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे, तुम लोग को बुक तो नहीं दे रहे हैं, फोटो फोटो खींच के तो नहीं भेजेंगे, ठीक। चलो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सीड्स ये सब तो बता दिए तुम लोग को, ऑल सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉइल एंड प्रॉपर लाइट, ये तो बेसिकली बता दिया। अब स्टेज क्या क्या होता है जर्मिनेशन का, जर्मिनेशन क्या होता है, जब तक पहले क्या होता है, जो सीड को हम लोग पानी में मतलब वो मिट्टी में डालते हैं, ठीक, मिट्टी में डालने के बाद क्या होता है, वो उसमें जो पानी ऊपर से डालते हैं वो पानी से वो फूलना शुरू होता है, ठीक। फूलने के बाद क्या होता है, वो सारा प्रोसेस हम लोग स्टेज से देखते हैं। नंबर वन क्या है, नंबर वन फोटो देखो, फोटो क्या हो रहा है, वहाँ सीड कोट में एक छोटा सा ओपनिंग था, देखे थे कल वाला फोटो, याद है, नहीं याद है, तुम लोग कुछ बोले थे, होमवर्क क्या दिए थे हम, उसको काटने के लिए, काट के उसके अंदर देखने के लिए। अच्छा ठीक है, आज तुम लोग उसका फोटो भी बना लेना कॉपी में, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, ओपनिंग सीड्स में क्या होता है, व्हेन सीड गेट एडिक्वेट वाटर, लाइट, एयर एंड वॉर्म, इट बिगिंस टू जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करने लगता है। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, तीसरी बार बता रहा है, छोटा जो बीज होता है बीज से जो छोटा पौधा बनता है उसके बीज का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक। वो क्या होता है, वो वाटर जो रहता है वो छोटा सा ओपनिंग रहता है, उसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। वाटर को जो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो सीड का जो कोट होता है, जैसे तुम हाथ पानी में डाल के एक घंटा छोड़ दो, ठीक, तो हाथ में ऐसे धारी 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 टाइप आ जाता है, वो क्या होता है, पानी तुम्हारा हाथ एब्जॉर्ब कर लेता है तो फूल जाता है, समझ गए। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है सीड में भी, पानी जब बहुत ज़्यादा अंदर भर जाता है तो सीड कोट फूल जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद वो फट जाता है, ठीक, सीड कोट फट जाता है ऊपर से। अब क्या होता है देखो, उसका प्रोसेस टू देखो, अब वो जो सीड कोट में छोटा सा ओपनिंग होता है, उस दिन जो प्रोसेस बताए थे उसके बाद का बता रहे हैं, वो छोटा सा जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग में से पेड़ निकलता है, पेड़ पौधा जैसा
उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, पेड़ का जो छोटा सा दे निकलता है, टिप निकलता है वो ओपनिंग में से, वो ओपनिंग पहले नीचे जाता है जमीन के। कल बताया था ना तुम्हें, होता तुम लोग को आसान भाषाएं बताए थे, लेकिन ऐसे जो सीड्स है, ठीक, सीड का ये सीड्स यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग, ठीक, इस ओपनिंग में जो यहाँ पर थोड़ा सा जो ऐसे पेड़ निकल जाता है वो बेबी प्लांट जो होता है, वो बेबी प्लांट क्या होता है, पहले नीचे की तरफ जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है नीचे की तरफ, ठीक, वो जो नीचे की तरफ जो जाके बड़ा होता है वो होता है रूट्स, उसका रूट वही बनता है, ठीक, पहले नीचे जाता है रूट बनता है। देखो क्या, एज द सीड स्विट्स द सीड कोट स्प्लिट्स एंड टिप ऑफ द बेबी प्लांट इमर्जेस, सीड कोट फट जाता है, बेबी प्लांट बाहर निकल जाता है, इट सून स्टार्ट्स ग्रोइंग रूट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में ये रूट रूट वहाँ पर ये होने लगता है। अच्छा एक सेकेंड, वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है थोड़ा टेक्निकल काम की वजह से। हाँ तो स्टेज टू जर्मिनेशन, कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम, हाँ जो बता रहे थे तुम लोगों को, सीड्स जो होगा, सीड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में उगना शुरू हो जाएगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उगने के बाद क्या होगा, कि ये रूट जो होगा, द रूट हेल्प्स फिक्स द सीड इन द सॉइल, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बताया था ना उसका प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से पेड़ निकल जाता है, उसके बाद फिर इसमें से सनलाइट मिलने लगता है, ये वाला प्रोसेस, वो प्रोसेस अंदर में यहाँ पे जब होने लगेगा, ये यहाँ पे रूट निकल जाएगा, रूट निकलने के बाद रूट जो होगा स्टेम यहाँ पर इसको स्टेबल कर देता है, ठीक, रूट जब स्टेबल कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, कि अब इसके बाद यहाँ से स्टेप थ्री में प्लांट निकलना शुरू होगा, ठीक, ये रूट जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद जो बताया था नहीं, बेबी प्लांट का यहाँ पर दो पार्ट होता है, बेबी शूट बेबी रूट, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बेबी रूट है, बेबी रूट, और यहां से जो प्लांट निकलेगा ये हो जाएगा बेबी शूट, समझ गए। इसके बाद यहाँ स्टेप थ्री देखो, स्टेप थ्री में क्या होता है, इमर्जिंग शूट, शूट के बाद फिर वहां पर शूट कैसे निकलता है, पहले यहाँ पे रूट वाला होता है, स्टेप थ्री वाला प्रोसेस तुम लोगों को बता दिया है, ये वाला स्टेप थ्री के बाद स्टेप फोर क्या होता है, स्टेप फोर में क्या होता है, ये पेड़ जब इसे उग जाता है, यहाँ पर पेड़ ऐसे निकल गया, पेड़ निकलने के बाद क्या होता है, रूट को अपना अपना मिल गया, स्टेम को अपना मिल गया, तो इसको तोड़ दिया जाता है, ये फॉल ऑफ हो जाता है, ये टूट जाता है, और उसके बाद फिर ये यहाँ से गायब हो जाता है, वो सॉइल में मिल जाता है। तो अब बचता क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पर बचता है सिर्फ रूट्स, स्टेम, और यहाँ पर फिर प्लांट अपना ऊपर में ग्रो कर जाता है। ये रहा स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, ठीक। अब स्टेज ऑफ जर्मिनेशन जब हम लोग पढ़ लिए तो ये हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया आज, क्या कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स में हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स में पहले हम लोग पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर कैसा होता है सीड का, अब उसके बाद जर्मिनेशन हम लोग कंप्लीट कर दिया। इसमें जर्मिनेशन तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो अभी कमेंट में जाके पूछो, कमेंट में जाके पूछोगे एक घंटे से दो घंटे के अंदर तुमको बता देंगे, ठीक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का रिप्रोडक्शन का पार्ट टू, हम लोग रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कंप्लीट हो चुका है, हम लोग रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट बताया था ना, पेड़ रिप्रोड्यूस करता है तो बहुत सारा तरीका से होता है, सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन ये पहला पार्ट पढ़ लिया, ये वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम क्या बताए तुमको एग्जाम्पल, एक जगह पे है यहाँ पर पेड़ उगा हुआ है, पहले से ही पेड़ उगा हुआ है, पेड़ में यहाँ पे फल निकल गया, ठीक, फल में बहुत सारा बीज है, ठीक। अब क्या होगा, जब एक फल बड़ा होगा तो ये यहाँ से टूटेगा, फटेगा, ये फल को पेड़ से कोई नहीं तोड़ा, ये फल यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद यहाँ नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर बहुत सारा सीड्स होगा, ठीक। अब सीड्स से क्या होगा, बहुत तेज आंधी चलेगी, बहुत तेज आंधी आ जाएगी, यहाँ पर जो सीड ऐसे निकल के जमीन पर ऐसे जो गिर गया है सीड, सब सीड हवा से उड़ के यहाँ से वहाँ चला गया, कुछ सीड वहाँ से उड़ के यहाँ आ गया, कुछ सीड यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया,
हवा आंधी से, बारिश हुआ, पानी बहना शुरू हुआ, पानी बहते बहते फिर यहाँ जमीन से बहते बहते सीट यहाँ से बहते यहाँ चला आया। ठीक, डिस्पर्सन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, समझ में आ गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो होता है डिस्पर्सन। और उसके बाद डिस्पर्सन होने के बाद सीट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसको सनलाइट मिला, नॉर्मल मिला, और जो पहला वाला जो प्रोसेस था पूरा प्रोसेस, यहाँ पे उसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल गया, तो वहाँ पे फिर वही पेड़ उग जाता है, समझ गए। तो डिस्पर्सन थ्रू सीड्स क्या होता है एक बार फिर से दिखा देते हैं। इफ द ऑल द सीड्स ऑफ प्लांट फॉल जर्मिनेट स्टार्ट ग्रोइंग एट द सेम प्लेस दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट। सारा एक ही जगह पे जमा होकर एक ही जगह पेड़ लगेगा, वहाँ पे भीड़ हो जाएगा, जंगल बनने लगेगा और वहाँ पे नहीं उग पाएगा। ठीक, उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ सीड उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ सीड होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह बढ़ जाते हैं, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का क्या होता है, द प्रोसेस बाई विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सन। ठीक, द प्रोसेस बाई विच सीड्स स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट, ये है मदर प्लांट। मदर प्लांट यहाँ से सीड पैदा हुआ, लेकिन ये सीड यहाँ से बह के हवा के थ्रू जानवर मुंह में उठा के लेके चला आया, जानवर के पैर में सट गया, उठ के लेके चला आया, वो हो जाता है तुम्हारा सीड डिस्पर्सन। और जिस थ्रू जिस माध्यम से वो यहाँ से वहाँ आया, जैसे कि हवा चला, आंधी चला, उड़ के यहाँ से यहाँ फेंका गया, तो वो हो जाता है एजेंट ऑफ डिस्पर्सन। बारिश आया, बारिश के पानी में बह गया, बह के यहाँ आ गया, वो हो गया एजेंट ऑफ डिस्पर्सन। समझ में आ गया। These seeds are dispersed by wind, water, animals. These are known as agent of dispersion. अब यहाँ पे dispersion का चार तरीका जो अभी हम तुम लोग को बताए हैं, dispersion by wind, dispersion by water, dispersion by animal, dispersion by explosion of fruits. इसको तुम लोग खुद से reading करोगे आज, ठीक? ये आज homework तुम लोग का यही रहेगा, इसको आज तुम लोग खुद से reading करो, complete करो और खुद से पढ़ो, पूरा रीडिंग करो, हार्ड वर्ड जो आता है समझो, और जो भी समझ में नहीं आया पिछला जहाँ अभी तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, जहाँ तक समझ में नहीं आया पूछो, कमेंट में पूछो, सर को फ़ोन करके पूछो, व्हाट्सएप पे शनिवार को खुल जाता है उस समय पूछो, लेकिन पूछो, बहुत तुम लोग पूछते नहीं। चलो ठीक है, ये इतना दूर तक कम्प्लीट करो, अगले क्लास में हम लोग डिस्पर्सन बाय विंड या डिस्पर्सन कम्प्लीट करके फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स पढ़ाएंगे। चलो ठीक है।